दर्शकों, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो उस वक्त आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि सौहार्द की भावना बढ़ेगी घाटी में और लोगों के बीच परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आतंकवादी पत्थरबाजी ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो कि घाटी में पहले जैसे ही जो रंग ढंग थे वही वापस आ रहे हैं। अभी सर, जो जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में जो 5 जवानों को शहादत हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि चरमपंथियों के द्वारा उनकी हत्या की गई है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? पहले तो उन सैनिकों को जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, हाथ जोड़ के उनको सद्बुद्धि दे, उनके माँ बापों को ताकत दे, जो कि अपने घर चलाने के लिए मजबूती से अपना भाई परिवार को चलाए। जिसकी माँ का बेटा गया वो तो गया ही गया, जिसकी बहन का भाई गया वो भी गया, और जिसकी भाई पत्नी का पति गया उस घर का तो बिल्कुल विनाश हो गया, वो घर कैसे चलेगा? अब यह हमारी जो पेंशन है दे रहे हैं 13,000 में, वह बच्चे पढ़ाएगी या अपना पेट पढ़ेगी? वो उसके साथ उसकी माँ भी होगी, इसका बूढ़ा बाप भी होगा। तो हम भगवान से ये गुजारिश करते हैं कि भाई उनको ताकत दे, और उनकी जो राजनेता राजनीति करते हैं वो राजनीति बंद करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भाई नौकरियों, विधवाओं को नौकरी दी जाए, ताकि हमारी जो हमारे समाज का सुधार हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमेशा सेना के ऊपर हमला, हमेशा सेना पर वार लोकसभा चुनावों से पहले ही क्यों होता है, वोट बैंक के लिए तो नहीं किया जाता, सवाल उठ रहे हैं आप? देखो, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे जी। हम आए हैं यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के धरने में जी, और मैं भी भूतपूर्व सैनिक जगबीर सिंह हूँ, और मैं ज़्यादा राजनीति पे बात नहीं करूँगा, क्यों? ये हमारे बड़े दुख की, इस देश के अंदर बड़े दुख की बात होती है जो राजनीति बातें करें। मैं किसी भाई के ऊपर राजनीति नहीं करूँगा, ना विधवा के ऊपर राजनीति करूँगा, मैं सिर्फ अपनी बात रख सकता हूँ भाई। सारे विदेश देश में हमारी बातें जाएँ और उसका समाधान हो, तो ये बातें रख सकते हैं। ज़्यादा मैडम हम ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, क्यों? ये देश की एकता का काम है जी, जी। तो सत्यपाल मलिक ने जो अभी पुलवामा हमले को लेके जो बयानबाजी करी है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये तो राजनेता है, आज इस कुर्सी पर बैठा है, कल वो उतर जाएगा और वो फिर दूसरी बातें करते हैं। अच्छा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम भूतपूर्व सैनिक हैं और सेना की तरह काम करते हैं, हम किसी राजनेता के या उसके उसमें उपलक्ष में नहीं करेंगे। एक बात है, मैं अपनी वाणी को विराम करने के लिए पहले जितने भी हमारे हिंदुस्तान के, भारत के जो हमारे किसान नेता हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि भाई हमारे इस धरने को संख्या बल में 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जिला एमपीओं को जो मेमोरेंडम दिया जाए उसमें हमारा साथ दीजिए। हम ये गुजारिश करते हैं राकेश टकैत जी से और जो छोटूणी जी से, या भाई हमारा उग्रवा साहब जो पंजाब के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 5 लाख यहाँ स्त्रियाँ ले आके अपना नाम रोशन किया था किसान आंदोलन के अंदर, जो पकौड़ा चौक के ऊपर, हम उनसे गुजारिश करेंगे, उग्रवा साहब से भी हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के ये कहेंगे कि भाई हमारा साथ दो, हमने आपका भी साथ दिया था, इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, अब ये पूर्व सैनिक है, ये ज़्यादा अंदर जाना चाह नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सत्यपाल मलिक ने सालों बाद जो भी कन्फेशन दिया है दिया है, लेकिन एक अभी भी बात अंदर की छुपी हुई है कि RDX आया कहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर, कहाँ से आया जब घाटी में चौक चौक के ऊपर आम इंसान की जब इतनी शिनाख्त की जाती है, उसके बाद वहाँ पे RDX आना आया कैसे, हैंड ग्रेनेड से हमले कैसे हो गए कल, और अभी तक पुलवामा अटैक की कोई भी कार्रवाई हुई क्यों नहीं, कोई जाँच क्यों नहीं बैठाई गई, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सत्यपाल मलिक एक राजनीतिक तत्व है, आज उनकी कुर्सी उनको जाते हुए दिख रही है, तो शायद वो इस वजह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जांच जरूर बैठनी चाहिए ताकि जो सैनिकों के ऊपर वार लगातार हो रहे हैं वो बंद हो सके। धन्यवाद।